दोस्तों सब्सक्राइब करें टॉप मस्ट को और बेल आइकन को दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी पाएं सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका टॉप मस्ट में और मैं हूं आपका दोस्त कबीर। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि ये साल यानी कि 2018 शादियों का साल रहा है। इस साल कई सेलिब्रिटीज की शादी हुई है और बॉलीवुड में अभी भी कुछ अभिनेत्रियां ऐसी हैं जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई है और वे इसी साल शादी कर लेंगी। अब हम आपको सोनाक्षी सिन्हा की शादी के बारे में बताने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आप जानेंगे कि सोनाक्षी सिन्हा आखिर किससे शादी कर सकती हैं और ये भी बताएंगे कि उनकी माँ उनके लिए किस लड़के को पसंद किया हुआ है जिससे वे सोनाक्षी की शादी करवाएंगी। सोनाक्षी ने सलमान खान की फिल्म दबंग से बॉलीवुड में डेब्यू किया था और ये फिल्म सुपर डुपर हिट भी हुई थी। इसके बाद सोनाक्षी सिन्हा ने बड़े बड़े अभिनेताओं के साथ कई बड़े फिल्में की हैं। जी हाँ, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सोनाक्षी सिन्हा जाने माने अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी हैं। इनकी माँ का नाम है पूनम सिन्हा। पूनम सिन्हा भी कई फिल्मों में काम कर चुकी है लेकिन अब शत्रुघ्न सिन्हा और पूनम सिन्हा राजनीति में है। दोस्तों, शत्रुघ्न सिन्हा और पूनम सिन्हा स्टार प्लस के शो नच बलिए के ग्रैंड फिनाले में गेस्ट के तौर पर गए थे। वहां उनसे सोनाक्षी की शादी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि उनकी पहली पसंद है रणवीर कपूर। जी हां दोस्तों, रणवीर कपूर को उन्होंने अपनी पहली पसंद बताया। उन्होंने कहा कि वे उन्हीं के जैसा दामाद चाहती हैं लेकिन उनकी बातों से ऐसा लग रहा था जैसे कि रणवीर कपूर को ही वे अपना दामाद बनाना चाहती हो। जी हाँ दोस्तों, रणवीर कपूर जिनका आजकल अफेयर आलिया भट्ट के साथ चल रहा है, तो दोस्तों अगर रणवीर कपूर और सोनाक्षी सिन्हा की जोड़ी बन जाए तो कैसे लगेगी, जरूर हमें कमेंट बॉक्स पर लिखकर अपना जवाब दें। साथ ही दोस्तों, वीडियो के लिए तो लाइक बनता ही है और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो स्टे ट्यून्ड एंड गुड बाय।